नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरें। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने कहा है कि भूतपूर्व सैनिकों की समस्याओं का निस्तारण हमारी शीर्ष प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि भूतपूर्व सैनिकों की समस्याओं के निस्तारण समाधान के लिए शीघ्र ही जिले के संबंधित अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए जाएंगे। जिलाधिकारी ने कहा कि भूतपूर्व सैनिक बंधुओं की जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाएगा। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने आज कलेक्ट्रेट सभागार में सैनिक कल्याण बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि भूतपूर्व सैनिक बंधुओं के सम्मान के लिए सभी थानों विभागों को एडवाइजरी जारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि भूतपूर्व सैनिकों की जमीन असलहे का नवीनीकरण एवं कैंटीन कार्ड के नवीनीकरण की समस्याओं को निस्तारण अतिशीघ्र सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भूतपूर्व सैनिक बंधुओं को आश्वस्त करते हुए कहा कि जमीनी विवाद के समाधान के लिए जनपद के सभी उपजिलाधिकारी, तहसीलदार, कानूनगो एवं लेखपाल को निर्देशित किया जाएगा। जिलाधिकारी ने भी कहा कि भूतपूर्व सैनिक बंधुओं की मांग पर आवश्यक वस्तुओं की खरीद के लिए कैंटीन एवं कैंटीन हॉल की भी अतिशीघ्र व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने भूतपूर्व सैनिकों से कहा कि अपनी मांग को जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के माध्यम से उपलब्ध कराएं, जिसका समाधान अतिशीघ्र सुनिश्चित किया जाएगा। बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन नरेंद्र सिंह, जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी लेखपाल कर्नल वीरेंद्र सिंह तथा जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से आए भूतपूर्व सैनिक बंधु उपस्थित रहे। खबर आजमगढ़ से है, जहां वर्तमान शिक्षा सत्र में कोरोना के कारण अभी तक एक भी दिन स्कूल नहीं खुल पाए थे। अब माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9 से कक्षा 12 तक की पढ़ाई शुरू करा दी गई है। हालांकि कम संख्या में बच्चे स्कूल पहुंचे, लेकिन ऐसी संभावना है कि आने वाले दिनों में बच्चों की संख्या बढ़ जाएगी। खास बात यह रही कि कोरोना की गाइडलाइन का पालन कराया गया। बता दें कि जियनपुर नगर पंचायत में स्थित श्री केएन सिंह इंटर कॉलेज एवं एमएन लाल पब्लिक स्कूल काफ़ी दिनों से बाद खुला है। वह स्कूल के बच्चे स्कूल खुलने पर खुशी खुशी स्कूल में बैठे मिले। स्कूल में गाइडलाइन के अनुसार बच्चों को दो पालियों में बुलाया था। पहली पाली में तो छात्र छात्राएं चकते हुए विद्यालय पहुंचे, दूसरी पाली में बच्चों की संख्या कम रही। विद्यालयों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर पूरी सतर्कता बरती गई। ज़्यादातर कॉलेजों में गेट पर छात्र छात्राओं की थर्मल स्क्रीनिंग की गई। बिना मास्क के प्रवेश नहीं दिया गया, सैनिटाइजर का भी प्रयोग किया गया। टीवी 20 न्यूज़ से हुई बातचीत में स्कूल की छात्राओं ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। आपका आर्य यादव। किस क्लास में पढ़ती हैं? क्लास 10th में। आज इतने दिनों बाद आपका स्कूल खुला है, कैसा फील कर रहे हैं आप लोग? 4 महीने बाद स्कूल खुला है। अच्छा, मतलब कैसा, अच्छा लग रहा है स्कूल आने पे? स्कूल आने में तो अच्छा लग रहा है, पढ़ाई भी अच्छी हो रही है। अच्छा अच्छा, कोविड सरकार की गाइडलाइन का पालन हो रहा है स्कूल में? हो रहा है सर। सभी लोग मास्क लगाए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, सैनिटाइजर भी हो रहा है? अच्छा। आजमगढ़ से खबर है, जहां कोरोना के कारण बंद चल रहे महिला पीजी कॉलेज 5 माह बाद खुल गए। छात्राओं की उपस्थिति से वीरान पड़ी महिला कॉलेजों में रौनक लौट आई। निर्धारित मानक का अनुपालन करने के बाद छात्राओं को कॉलेजों में प्रवेश मिला। काफ़ी समय बाद मिले कॉलेज की छात्राओं ने एक दूसरे का हाल जाना और घंटी बजते ही क्लास की तरफ दौड़ पड़े। छात्राओं को क्लास देख शिक्षक भी खुश हो उठे। अभिभावक के सहमति पत्र के बाद ही छात्राओं को ही महिला पीजी कॉलेज में प्रवेश मिला। आपको बता दें कि जैनपुर नगर पंचायत में स्थित श्री किरण सिंह महिला पीजी कॉलेज के गेट पर निर्धारित समय से पहले ही छात्राएं पहुंचने लगें। मुख्य द्वार पर शिक्षक मौजूद रहे, छात्राओं की थर्मल स्क्रीनिंग की गई। जैसे ही घंटी बजी कि छात्राएं क्लास की तरफ दौड़ पड़े, सभी छात्राएं मास्क लगाए हुए थे। डॉक्टर प्राचार्य गोविंद तिवारी ने बताया कि कॉलेज परिसर को सैनिटाइज किया गया है। अभिभावक का सहमति पत्र मिलने के बाद ही छात्राओं को प्रवेश दिया जा रहा है। हमने बात किया कुछ छात्राओं से, क्या कुछ कहा सुनवाते हैं। क्या नाम है आपका? रिया सिंह। अच्छा, आज काफ़ी दिनों बाद कॉलेज खुला है, आप लोगों को कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, सर लोग से मिलके और अपने फ्रेंड से मिलके बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग आए हैं इतने ज़्यादा दिन बाद पढ़ने। अच्छा, यहाँ पे सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है? जी। अच्छा, सभी लोग मास्क लगाए हैं? जी। जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता किया। प्रेस वार्ता में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव प्रभारी आजमगुल अहमद शमशाद भी उपस्थित रहे। मीडिया से बातचीत करते हुए जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने कहा कि भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी और उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू विधायक के आह्वान पर 19 अगस्त 2021 जनपद के सभी न्याय पंचायतों में 3 दिवसीय जय भारत महासंपर्क अभियान के क्रम में प्रथम दिन कांग्रेस नेतागढ़ जनपद के समस्त न्याय पंचायतों में से एक एक गाँव में प्रत्येक दरवाजे पर दस्तक देंगे और अपना पर्चे देंगे।
दोपहर में किसी एक परिवार के यहाँ स्नेह भेजेंगे, स्नेह भोज करेंगे, मेरा गांव मेरा देश कार्यक्रम के तहत ग्रामीणों से संवाद एवं ग्राम प्रधान बीडी से मुलाकात करेंगे और 7 बजे से 8 बजे तक फेसबुक पर लाइव आकर गांव की प्रमुख समस्याओं पर बातचीत करेंगे और इसके उपरांत रात्रि में स्नेह भोज एवं रात्रि विश्राम उसी गाँव में करेंगे। आज के संबंध में प्रेस वार्ता बुलाइए। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर श्रीमती प्रियंका गांधी जो हमारी राष्ट्रीय महासचिव उत्तर प्रदेश की प्रभारी है, उनके आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में हमारे जो 270 न्याय पंचायतें हैं, सभी न्याय पंचायतों में सभी गांव का चयन करना है जो चयन कर लिया गया है। और उस एक गाँव में 3 दिन का प्रवास है, 19-20-21 तीन दिन के प्रवास के लिए हम लोगों ने जिला कांग्रेस कमेटी के लोग, ब्लॉक अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के लोग, जो भी हमारे नेता गांव में जा सकते हैं उनकी सूची बना दी गई है। 19 तारीख को सुबह 8 बजे गांव में जाएंगे, घर घर जाकर सबसे संपर्क करेंगे, सबसे संवाद स्थापित करेंगे और ये जानना चाहेंगे कि 32 वर्षों में ऐसा क्या हुआ है जो कांग्रेस की नीतियों से हट करके हुआ है, या कुछ उससे बेहतर हुआ है, या क्या होना चाहिए था जो नहीं हुआ है। इन सब पर फोकस करेंगे और अपनी नीतियों के बारे में बताएंगे, अपने कार्यक्रमों को बताएंगे, कार्यक्रमों के बारे में बताएंगे, उनसे उस गांव की समस्याओं के बारे में सुनेंगे, उनको लिपिबद्ध करेंगे। और 19 तारीख को 7 से 8 के बीच में लाइव होंगे, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर सबको बताएंगे कि इस गांव की क्या समस्याएं हैं। उसके बाद 20 तारीख को जो है जो वहाँ के जितने भी जो भी प्रबुद्ध लोग हैं उस गाँव की के निर्माण की भूमिका में महत्वपूर्ण अपनी जो है हिस्सेदारी रखते हैं, चाहे वासा बहू हो, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हो, सहायिका हो, जीता हुआ प्रधान हो, चुनाव लड़ा हुआ हारा हुआ प्रधान पद का प्रत्याशी हो, क्षेत्र पंचायत सदस्य हो, या कोई फ्रीडम फाइटर हो, शहीद का परिवार हो, या कोई किसी कॉलेज का किसी संस्थान का संचालक हो, स्वयंसेवी संगठन से जुड़ा व्यक्ति हो, ऐसे लोगों से संपर्क स्थापित किया जाएगा और संपर्क स्थापित करने के बाद उनको प्रोत्साहित किया जाएगा, उनको कहीं ना कहीं से कुछ एक स्मृति चिन्ह भी जो हम लोग 3 क्षमतानुसार भेंट किया जाएगा। ये हमारा दूसरे दिन का कार्यक्रम है और तीसरे दिन हम लोग प्रभात फेरी निकालते हुए उस कार्यक्रम के समापन की घोषणा करेंगे। इस क्रम में आज आप लोगों को बुलाया गया है कि कांग्रेस पार्टी लगभग 32 वर्षों से उत्तर प्रदेश में नहीं है, जो पार्टियां उत्तर प्रदेश में सत्ता पे हैं जी बताएं। मैं प्रदेश सचिव प्रभारी आज के समय प्रेस वार्ता बुलाई गया है। अभी जिस तरीके से हमारे जिला अध्यक्ष जी ने बताया कि 19-20-21 का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदेश पे, आदरणीय प्रियंका गांधी जी के निर्देशन पे, अजय कुमार लल्लू जी के निर्देशन पे, हम जय भारत महासंपर्क अभियान के तहत उत्तर प्रदेश के लगभग सभी न्याय पंचायतों के एक एक गाँव में हम प्रवास करने जा रहे हैं, जो 3 दिन का प्रवास होगा और ये मिशन तकरीबन 30 लाख लोगों से सीधा संपर्क और संवाद का है, जिसके तहत हम 19 को मिलेंगे जैसा अध्यक्ष जी ने बताया। 20 तारीख को भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय राजीव जी का जन्मदिन है, हम उसी गांव में राजीव जी का हर्षोल्लास के साथ जन्मदिन भी मनाएंगे और तमाम उन लोगों के बीच में संवाद करेंगे, संपर्क करेंगे, उनके बीच बैठेंगे, पदयात्रा निकालेंगे और हम वहाँ पर सफाई अभियान करेंगे। सब कार्यक्रम करने के बाद हम एक संदेश देना चाहते हैं कि किन कारणों से आज कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के गांव में नहीं है, उनको जोड़ने का हम सब मिलकर काम करेंगे और आगे आने वाले दिनों में बड़ी मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी दमखम के साथ उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी है। आजमगढ़ जैनपुर कोतवाली पर बुधवार को तहसीलदार सगड़ी रामानुज शुक्ला की अध्यक्षता में मुहर्रम त्यौहारों को देखते हुए ताजियादारों के साथ शांति समिति की बैठक की गई। बैठक के दौरान तहसीलदार ने ताजियादारों से साफ शब्दों में कहा कि हर हालत में कोरोना गाइडलाइन का पालन सख्ती से कराया जाएगा, यदि किसी ने जुलूस निकालने और ताजिया निकालने की हिमाकत की तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। जबकि मुस्लिम समुदाय कई मुद्दों पर डटा रहा और कहता रहा है कि रैलियाँ निकालने पर प्रतिबंध नहीं है, अन्य त्योहारों की भीड़ उठ रही है पर हमें सिर्फ टारगेट किया जा रहा है, जबकि हम 5 लोग मिलकर ताजिया निकालकर दफन करने की इजाज़त मांग रहे हैं, जिस पर काफ़ी लोग डटे रहे थे और यह कहा कि हम गाइडलाइन का पालन करते हुए सरकार के बनाए नियमों का पालन करेंगे। जहां पर कोतवाल जितेंद्र कुमार ने कहा कि सरकार द्वारा बनाए गए समस्त नियमों गाइडलाइनों का पालन प्रत्येक व्यक्ति को कड़ाई से किया जाना है, जो व्यक्ति गाइडलाइन का पालन नहीं करेगा उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।
जियनपुर में मुहर्रम के त्यौहार के मद्देनज़र पीस कमेटी की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें काफ़ी लोग आए थे। सभी को बता दिया गया है कि शासन के जो निर्देश हैं उसका सबको पालन करते हुए शांतिपूर्वक त्यौहार मनाया जाना है। सर इसमें जो है कुछ लोगों ने जो है कि उस चीज़ का विरोध भी किया? किसी ने विरोध नहीं किया है, सबने बताया है कि सब लोग पालन करते हुए ही त्यौहार मनाएंगे, जो उल्लंघन करेगा उसके विरुद्ध कार्रवाई। बलिया से खबर है जहां पुलिस अधीक्षक राजकरण नैयर के निर्देशन में अपराधियों पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाने व वांछित अभियुक्तों वारंटियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान क्रम में थाना चितबड़ा गांव पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है। उल्लेखनीय है कि थाना चितबड़ा गांव के प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में उनकी पुलिस टीम के उपनिरीक्षक श्रीकांत पांडे, मैं फोर्स द्वारा अभियुक्त राजकुमार राजभर पुत्र बुद्धिराम राजभर निवासी ग्राम गौरा थाना फेफना जनपद बलिया व महातीम उर्फ छोटक राजभर पुत्र परशुराम राजभर निवासी कुबरी थाना करीमुद्दीनपुर जनपद काजीपुर को रेलवे ब्रिज अंडरपास शाहपुर सड़क मार्ग धर्मापुर से गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्त पुत्र के कब्जे से चोरी की एक स्कूटी, नाजायज चाकू बरामद किया गया है।